नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। आज लोकसभा में पेश नहीं होगा दिल्ली सेवा बिल, हंगामे के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित। मणिपुर मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा, छोटी चर्चा पर विपक्ष ने जताई आपत्ति। दिल्ली में साल जनवरी से जुलाई तक डेंगू के 243 मामले आए सामने। राजस्थान में फिर मंडराए टिड्डी का खतरा, बीकानेर में दिखाई दिया झुंड। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने बिछाया गया IED बरामद। पाकिस्तान गए अंजुम, मामले में जांच करेगी MP पुलिस की स्पेशल ब्रांच। कांग्रेस संसदीय दफ्तर में इंडिया गठबंधन के सांसदों की बैठक, मणिपुर से लौटे सांसदों ने बताई स्थिति। आपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में रहने के लिए कहा। झारखंड के मणिपुर की घटना पर 1 अगस्त को राजभवन के सामने प्रदर्शन करेंगे इंडिया के नेता। तमिलनाडु में मदुरै के पास कार और ट्रक की टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत। गुजरात से मुंबई आ रही जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग, RPF के ASI सहित 4 की हुई मौत। जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग करने वाले RPF जवान को मुंबई में बोरीवली पुलिस स्टेशन में लाया गया। झारखंड के पलामू में मुहर्रम जुलूस के दौरान राष्ट्रीय ध्वज से छेड़छाड़, 18 लोगों के खिलाफ FIR। 2019 से 2021 तक देश में लापता हुई 13 लाख से ज्यादा लड़कियां, महिलाएं टॉप पर मध्य प्रदेश। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती विस्फोट में मरने वालों की संख्या 44 हुई। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।